हाँ, तो हम कहाँ थे? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट को समझने के लिए हम एक करेंगे एक्टिविटी, जो कि है एक्टिविटी नंबर 2.13। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट दिए गए हैं, इन सॉल्ट को हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्ट है किस एसिड या बेस से आए होंगे। क्यों हमसे ये बोला गया है? क्योंकि हमको ये बात पता है कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वो एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी सॉल्ट बने होंगे ये किसी ना किसी एक एसिड और बेस के रिएक्शन का आउटपुट होंगे। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं केवल सॉल्ट के नाम को देखकर कि इसके अंदर कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। कैसे लगाएं? अब देखिए, यहाँ पर दिया गया पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या निकल कर आएगा? K2SO4। अब आप खुद बताइए कि K2SO4 में जो SO4 या K2 है वो किसके पास, कौन बेस के पास जाएगा, कौन एसिड के पास? SO4 किसके पास लग रहा है? एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कौन सा हुआ? H2SO4। और फिर बेस कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन है नियरेस्ट टू इट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो क्या बना रहे हैं? वाटर तो बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन है, बचा क्या आपके पास? पोटेशियम सल्फेट। आया बात समझ या नहीं आया? तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट बना है ये इट इज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर आइए, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है जी, अब बताओ सोडियम सल्फेट में कौन लग रहा है एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। कौन लग रहा है बेस? भाई Na है तो कौन होगा बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब NaOH। रिजल्ट के तौर पर क्या मिलेगा? वॉटर। और साथ में करस्पॉन्डिंग सॉल्ट पे क्या मिलने वाला है? सोडियम सल्फेट। सही बात है या नहीं है? अब आ जाओ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4। बस इतना ही होगा, कोई होल ट्वाइस कुछ नहीं। कैल्शियम सल्फेट में क्या लग रहा है एसिड? कौन होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस के तौर पर कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब CaOH होल ट्वाइस। मिलने को क्या मिलेगा? वॉटर। और बचेगा क्या हमारे पास? कैल्शियम सल्फेट। कोई डाउट यहाँ पर? आई बात इतनी समझ या नहीं आई? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? MgSO4। भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है। तो जब कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है तो मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या होना चाहिए? MgSO4। आगे बात समझ? अब आगे बढ़े, यहाँ तो कल्प्रिट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या आएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिलेगा क्या? वाटर। और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आगे आते हैं कॉपर सल्फेट, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, सल्फेट कौन है एसिड में? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पर कौन बैठा होगा बेस में? कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? CuOH होल ट्वाइस। भाई कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी क्या होना चाहिए? CuOH होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं, MgSO4 बना दे, यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर। और साथ में बनेगा क्या? कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, ये तो जग जाहिर है इसका फॉर्मूला, NaCl। अब Cl का मतलब कौन सा एसिड पूछ कर आएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na का मतलब कौन सा बेस आएगा भागकर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मिला हमें? वाटर और सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो नमक हम खाते हैं वो किसका रिजल्ट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे बात समझ या नहीं? सबसे खतरनाक है और इसी के बाय प्रोडक्ट को हम खा रहे हैं। आगे बात समझ? आने वाले समय में ये भी पता चलेगा इसके बारे में। और
सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, NaNO3 होल ट्वाइस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा भाई? देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 सही है, और आपका क्या आएगा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है, 1 है, सोडियम की भी वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है, तो इसका मतलब क्या होगा केवल NaNO3। आगे बात समझ, तो इस तरीके से पहुंच गए, क्योंकि याद तो तुम रख ही नहीं सकते इसे एंड तक, कितना ही को तुम कोशिश कर लो लेकिन तुम परफेक्टली वैलेंसीज को हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते, उसके लिए किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट कौन से में मिलता है एसिड में, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और सोडियम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिला क्या वॉटर, और साथ में मिलेगा क्या सोडियम नाइट्रेट। आगे आते हैं क्या है, सोडियम कार्बोनेट कौन है, ये Na2CO3, इसके बारे में पहले भी हमने मेटल कार्बोनेट में शायद जिक्र करा होगा। अब कार्बोनेट का मतलब कौन सा एसिड आएगा, कार्बोनिक एसिड जो कि हो गया H2CO3। सोडियम का मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिला क्या फिर से वाटर और सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद आ जाओ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मतलब, अमोनियम का मतलब NH4Cl सही बात है। अमोनियम क्या है आपके लिए, पॉलीएटॉमिक आयन है, याद हो आपको ठीक है, और क्लोराइड तो आपका क्या हो गया नॉन मेटल में चला गया, तो NH4Cl यहाँ पर कौन है कल्प्रिट एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वहां पर कौन बैठ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या है भाई, बेस के लिए तो हाइड्रोक्साइड चाहिए ना, किसी के लिए आगे OH जोड़ दो तो इसका अलग क्या आएगा NH4OH। जब अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl आएगा तो हाइड्रोक्साइड में भी क्या आएगा NH4OH, क्योंकि क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। आगे बात समझ, और OH की भी क्या होती है, 1, तो इसका मतलब अमोनियम की भी वैलेंसी क्या रही होगी, 1। आगे बात समझ, अब ये तुम्हारी किस्मत की बात है कि वो सिंप्लीफाइड करके 1 आ जाए तो अलग बात है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा वॉटर, और साथ में क्या बचा अमोनियम क्लोराइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी सॉल्ट हैं सारे के सारे किसी ना किसी एसिड और बेस के रिएक्शन का रिजल्ट है। तो अब हम क्या समझे कि किसी भी सॉल्ट की आप बात कर लो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसिड और बेस के रिएक्शन का आउटकम है, कोई डाउट इस चीज के अंदर? आगे बात समझ या नहीं, सॉल्ट का परिवार यानी कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जिसके अंदर हमने कुछ सॉल्ट्स की बात करी थी और हमने ये देखा था कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट्स किस एसिड या किस बेस से बन रहे थे, जो कि हमारे क्या नहीं कहते थे प्लस सब्सिक्वेंट मिलने में प्रोडक्ट में तो एक ये आ नहीं है और प्लस वाटर बनना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट, तो फैमिली के लिए हमारा मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसका कॉमन कुछ हो, जैसे हम अगर अपने लोगों में बात करें तो हम अपनी फैमिली अपने नाम से कैसे पता कर पाते हैं कि जिनका लास्ट नेम क्या होता है सेम होता है उनको हम एक फैमिली के मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई जितने विष्णुई होंगे भले ही वो एक दूसरे के बिलोंग ना करते हो लेकिन नाम से क्या कहेगा आदमी इन्फ्लुएंस होके कि विष्णुई विष्णुई, इसका मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आगे बात समझ, तो वैसे ही हम जब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बात करते हैं तो हम नेम के अंदर दो चीजों को देखते हैं, एक तो होता है सफिक्स जो कि हमारे नेम का क्या हो गया सरनेम ठीक है लास्ट नेम जो हो गया, और एक होता है प्रीफिक्स। अब जो सफिक्स और प्रीफिक्स है वो कैसे चल रहे हैं, जब मैं बोलता हूं इसको क्या पोटेशियम सल्फेट, तो इसके अंदर जो सफिक्स है वो क्या है सल्फेट, प्रीफिक्स क्या है पोटेशियम। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं सोडियम सल्फेट तो ऑब्वियसली बात है प्रीफिक्स क्या है सोडियम और सल्फेट क्या है सफिक्स, तो ऐसे ही मैं सबके लिख सकता हूं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
और कॉपर सल्फेट, फिर आएगा सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम में ही सब चलते रहेंगे, नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड क्लोराइड। सही बात है। तो यानी कि पहले तो मैं देखूंगा सफिक्स के तौर पर क्या क्या मिल रहा है, और फिर मैं देखूंगा प्रीफिक्स के तौर पर। तो सफिक्स के तौर पर मुझे क्या मिल रहा है, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बस क्लोराइड वो एक ही में आ गया। तो यानी कि मैं क्या लिखूं, सबसे पहले सल्फेट, और उनको हम क्या बोलेंगे जो सल्फेट की कैटेगरी में आएंगे, सल्फेट सॉल्ट। और वो कौन कौन बन रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो ये सारे के सारे कौन सी फैमिली के बन गए, सल्फेट फैमिली के, यानी कि जिनका सफिक्स क्या है, सल्फेट है। फिर इसके बाद कौन से आते हैं सफिक्स में, क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट में कौन से बने हमारे पास, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद कौन से आए, नाइट्रेट, यानी कि नाइट्रेट सॉल्ट, जिसमें कौन सा देखने को मिल रहा है हमें, सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद कौन सा है जिसमें कौन सा आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट। और कौन बचा, हो गए सारे। तो ये मेरी क्या हो गई, फैमिली ऑफ सॉल्ट डिपेंडिंग ऑन सफिक्स। आगे बात समझ, प्रीफिक्स पर आते हैं। सबसे पहले हमारे लिए प्रीफिक्स कौन सा दिख रहा है, पोटेशियम। तो यानी कि जो प्रीफिक्स है वो क्या हो गया है मेरे लिए, पोटेशियम सॉल्ट। अब पोटेशियम में पोटेशियम सल्फेट मिले, पोटेशियम क्लोराइड मिले, पोटेशियम कुछ भी मिले, वो सारे क्या होंगे, पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली के पार्ट होंगे। आगे बात समझ, जिनके पास प्रीफिक्स के तौर पर क्या होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। तो केवल यहाँ पर एक ही मिल रहा है ऐसा, दैट इज पोटेशियम सल्फेट। फिर पोटेशियम के बाद कौन सा आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा सॉल्ट है सोडियम में, तो कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है, फिर आगे और कोई भी है, तो यानी कि कितने, चार सॉल्ट हो गए सोडियम की फैमिली के। उसके बाद कौन आ रहा है, कैल्शियम सॉल्ट, जो कि केवल एक ही है, तो वो कौन हो गया, CaSO4। फिर कौन आ रहा है, वो भी एक ही है यहाँ पर, वो कौन सा है हमारे लिए, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद कॉपर सॉल्ट, जो कि कौन सा आ रहा है, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा कभी आपने कोई और कॉपर सॉल्ट सुना है, कॉपर क्लोराइड बनाया भी है हमारी रिएक्शन में, तो वो क्या है, क्लोराइड सॉल्ट है सफिक्स के तौर पर, और कॉपर सॉल्ट है प्रीफिक्स के तौर पर। आगे बात समझ। फिर और कोई बचा क्या, अमोनियम सॉल्ट, जो कि क्या बना हमारे लिए, अमोनियम क्लोराइड। कोई डाउट इस चीज के अंदर, तो अब समझ आ गया कि फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है। एक होती है फैमिली ऑफ सॉल्ट जो सफिक्स के तौर पर चलती है, और एक होती है फैमिली ऑफ सॉल्ट जो प्रीफिक्स के ऊपर चलती है। कोई डाउट इस चीज के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये हमारे सॉल्ट आए, ये जितने भी हैं, इनका पीएच क्या होगा, यानी कि क्या ये पीएच 0 to 7 विच मीन्स लेस देन 7 विच मीन्स एसिडिक होने वाला है, 7 विच मीन्स न्यूट्रल होने वाला है, एंड द अदर वन वुड बी बेसिक, यानी कि अबव 7 यानी कि टिल 14। तो वो इन सॉल्ट का क्या होगा, तो वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो सॉल्ट है ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई जो एसिड है अगर वो स्ट्रांग हुआ और मान लो बेस आपका वीक हुआ, तो इसका मतलब कौन अपनी प्रॉपर्टीज को ज्यादा डोमिनेट करेगा, एसिड करेगा। तो इसका मतलब जो सॉल्ट बनने वाला है उसके ऊपर किसकी प्रॉपर्टीज डोमिनेटेड रहेंगी, एसिड की, तो वो सॉल्ट क्या होगा, एसिड। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस कैसा है,
वीक है तो जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट आने वाला है उसका पीएच लेस देन 7 होगा, जिसका मतलब वो कैसा होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। ऐसे अगर इसका वाइसी वर्सा कहूं, यानी कि अगर मेरा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट आएगा आफ्टर इट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसका पीएच क्या होगा, अबव 7, जिसका मतलब उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। और ऐसे अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं, यानी कि थर्ड कंडीशन की, आपका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कैसा सॉल्ट मिलने वाला है विद पीएच 7, जो कि कैसा होगा, न्यूट्रल। आ गई बात समझ या नहीं, कोई डाउट? अब इसमें माइंड में आएगा, सर अगर वीक एसिड वीक बेस होगा तो भी ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल मिलेगा, कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यानी कि जो एसिड और बेस जिससे वो सॉल्ट बनेगा, मैं उस एसिड और बेस को अगर ये जान लूं वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो मैं ये पता कर सकता हूं जो मेरा सॉल्ट बनने वाला है वो कैसा होने वाला है, कि पीएच 7 बिलो 7 होने वाला है, पीएच अबव 7 होने वाला है, या पीएच इक्वल 7 होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मेरा कौन सी कैटेगरी का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड है, ये दोनों भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये मेरा आता है वीक एसिड की कैटेगरी में। सेम मैनर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कौन है, और कोई नहीं है, ये दोनों मेरे किस कैटेगरी के आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरे किस कैटेगरी में गिरते हैं, वीक बेस। तो इसका मतलब जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि कोई बेस वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तब तक मैं ये पता नहीं कर पाऊंगा कि जो रिजल्टेंट सॉल्ट आने वाला है वो उसका पीएच क्या होने वाला है। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका बेस ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो अभी मैंने बता दिया, बाकी आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच के देख करो, पता करो कि भैया कहाँ पीएच आ रहा है। अगर पीएच आ गया 14 के आसपास तो स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच आ गया 7 के आसपास तो इसका मतलब वीक बेस। सेम गोज फॉर एसिड, अगर 10 या 1 के आसपास मिलेगा पीएच तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 7 के आसपास मिलेगा तो वीक एसिड, और अगर 7 मिल गया तो न्यूट्रल, तो वो एसिड और बेस रहेगा नहीं, यानी कि किससे रिएक्शन करा रहे हो, पानी से। आ गया बात समझ या नहीं, कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यानी कि अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट आएगा उसका कैसा होना चाहिए, पीएच न्यूट्रल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये पोटेशियम सल्फेट आएगा इसका कैसा होना चाहिए, पीएच नियर टू 7, स्लाइटली 19-20 हो सकता है वो चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसका मतलब ये भाई साहब कैसे सॉल्ट होंगे हमारे, न्यूट्रल होंगे। ये भी कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। भाई सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, पीएच कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि पीएच 7 होना चाहिए, और जो आपका मीडियम है, जो आपका नेचर है सॉल्ट, वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। फिर नीचे आइए स्ट्रॉन्ग वीक, तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए, एसिडिक, इसका मतलब पीएच लेस देन 7, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ये एसिडिक मिलेगा, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आगे चलें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रल, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, न्यूट्रल मिलेगा, कौन, कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड कैसा मिलना चाहिए, भाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यानी कि न्यूट्रल, तो इसका मतलब जो मैं नमक खाता हूँ उसका पीएच क्या होता है, 7, इसलिए मैं उसे खा सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर न्यूट्रल सॉल्ट को कंज्यूम कर लूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि पीएच 7 है तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, इट में हार्म इन वन और दी अदर वे। आगे बात समझ, तो यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या लिख दें, न्यूट्रल सॉल्ट। इसके बाद आइए नीचे, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, फिर अगेन कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल, तो यहाँ पर ये भी सॉल्ट कैसा हो गया, न्यूट्रल। फिर आ जाइए नीचे, ये है मेरे लिए वीक, ये है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब कैसा हो गया मेरा सॉल्ट, बेसिक, तो इसका मतलब इसका जो पर्टिकुलर पीएच होगा वो अबव 7 होगा टिल 14। और फिर आ जाइए अमोनियम क्लोराइड,
तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग, ये है वीक, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, एसिडिक, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अमोनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट है उसका पीएच बिलो 7 होगा एंड नेचर कैसा होने वाला है, एसिडिक। कोई डाउट इस चीज के अंदर? तो यानी कि अभी हमने एक तो फैमिली ऑफ सॉल्ट समझ ली, दूसरा हमने सॉल्ट के पीएच को भी समझ लिया किस चीज से, कि किस एसिड और किस बेस से वो मिलकर बने हैं। कोई डाउट यहाँ पर?